Hello students, I am Chitanjali Varla, your IT ma'am. As you know, once again welcoming you to my e-learning classes. This is our class number 18 and today we have a discussion regarding a new and interesting topic, that is your inheritance. And inheritance is the part of OOPS concept, and as we all know, Java is follow the OOPS concept. In other words, Java is an object-oriented programming language. So Java is also follow the concept of inheritance, and inheritance topic is very very interesting and very very easy to understand for a developer. And before writing a Java program, one person should have the knowledge about the inheritance, because in inheritance we are using more than one class in a program. So let's start our today's topic. So students, this is your inheritance note. In this note, we can find what is inheritance and what are the types of inheritance used in Java with the suitable examples. So let's start our today's discussion about inheritance. Then the question is that what is inheritance and why we use inheritance concept in our program. Inheritance kona? Ame kona pe inheritance concept ko ame program re use kariwa. जमी मुझे कहती पिले कि आम ये मैंने जावा प्रोग्राम करुचु से कौन मोर देन वन क्लासेस भी यूज हो पारे सिंगल प्रोग्राम रे तो मोर देन वन क्लासेस से यूज कराऊँ कौन होमको जानवा दरकार कि को क्लास अंडर आम को क्लास को रखा सपोज थोड़ा मोर गोटे ये डायग्राम बनई जोटा कि तुम कलेज में जब प्रोग्राम बनवा तो कलेज प्रोग्राम भितर तुम कौन रहा फर्स्ट कलेज गोटे क्लास बनवा कलेज क्लास अंडर में दुईटा क्लास रखा जमी तुम साइंस आउ कमर्स साइंस भी तो कौन रहा फर्स्ट इयर क्लासेस रहा एंड सेकेंड इयर क्लास सेकेंड इयर साइंस रहा फर्स्ट इयर कमर्स और सेकेंड इयर कमर्स रहा तो आम ये स्ट्रक्चर में पार्टीशन करुचु आम क्लासेस को आम क्लासेस को डिवाइड कर स्ट्रक्चर में जमी मानने साइंस क्लास अंडर में फर्स्ट इयर साइंस सेकेंड इयर साइंस देन कलेज अंडर में तुम साइंस कमर्स तो कलेज अंडर में कौन गला साइंस कमर्स क्लास कला साइंस कमर्स क्लास फर्स्ट इयर सेकेंड इयर क्लास कला जो आम जो स्ट्रक्चर में क्लास को डिवाइड कर प्रोग्राम को डिवाइड बिफोर राइट ए प्रोग्राम क्लास गुला जमी डिवाइड कर स्ट्रक्चर को आम कहला हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जब आम क्लास को डिराइव करोटा कि क्लास जो कलेज अच्छी जो कलेज क्लास को कौन कह बेस क्लास आई जो साइंस और कमर्स क्लास को कौन कह सब क्लास जदि आम कलेजा जब मेन क्लास है साइंस और कमर्स हम सब क्लास एंड फर्स्ट इयर सेकेंड इयर हम सब क्लास ऑफ साइंस क्लास फर्स्ट इयर क्लास और सेकेंड इयर क्लास जो आम बनई साइंस कौन हम मेन क्लास हम ये दुटापी आउ साइंस मेन क्लास कौन हम कलेज तो कलेज क्लास रु साइंस डिराइव होती साइंस क्लास रु फर्स्ट इयर साइंस और फर्स्ट इयर सेकेंड साइंस क्लास डिराइव होती तो ये स्ट्रक्चर में क्लासीफाई करेंगे कौन कनसेप्ट जानवा दरकार पड़ो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मान हूँ यहाँ इजे काइंड ऑफ टेक्निक जो थे कि आम मोर देन वन क्लासेस को लेकिन गोटे प्रोग्राम जब बनाऊ सो से आम डिराइव क्लास कौटा रोक आउ बेस क्लास कौटा रोक आम ए क्लासीफाई कर पारिबा तो चलो हमरो टॉपिक को जीवन छोटी क्या मैं मैंने सो इनहेरिटेंस कौन है इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिराइव और बिल्ड ए न्यू क्लासेस फ्रॉम एक्जिस्टिंग वन टू बिल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हायरार्की हायरार्की कौन माने तो मैं बुझे थी तो इनहेरिटेंस हो गए टेक्निक जो थी कि हमर गोटे न्यू क्लास रु डिराइव क्लास हम बनई पार्छु देन नेक्स्ट पॉइंट कौन होची सॉरी A class may be derived from one or more classes. गोटे क्लास रु या तो मोर देन वन क्लास रु डिराइव हो पार डिराइव मानने कौन जो थ्रु कि आम बाहरी जोटा मेन क्लास रु जो मैंने डाउन जो दुटा क्लास रखो सीटा है डिराइव क्लास जो ऊपर रोचा हूँ कौन बेस क्लास देख तापे कौन लिखाई न्यू क्लासेस आर कॉल्ड डिराइव क्लासेस और चाइल्ड क्लासेस एंड एक्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास एम जान पार्थ कि जोड़ा चाइल्ड क्लास कहटा है जो न्यू क्लासेस डिराइव होती कहला डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास कहगला और जो बेस क्लास रही पेरेंट क्लास या तो बेस क्लास कहगला बुझिपार देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट द मेकानिजम ऑफ डिराइविंग ए न्यू
or child classes from a parent class or older class is called inheritance. कौन लिखा है जी? The mechanism of deriving a new class or child class from a parent class or old class is called inheritance. इटा माने कौन? इटा होच्छ kind of mechanism जो देखी हमरो जदि नया class और derived class जदि हमर parent class और ओल्डर क्लास जो डिराइव होती तो से मेकानिजम को आम कौन कहलु इनहेरिटेंस आई होप तुमने इनहेरिटेंस कौन बुझे ये कौन हो चाइल्ड और पेरेंट क्लास कनसेप्ट को लेकिन डिवाइड कराऊ जमी कलेज एग्जाम्पल देली कलेज जब तुम है पेरेंट क्लास तो साइंस और कमर्स हम तुम कौन चाइल्ड क्लास देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस used in java that is your single inheritance multi level inheritance and hierarchical inheritance amma java re kete prakar inheritance use karauchi only three types of inheritance use karauchi single inheritance multi level inheritance and hierarchical inheritance mone rakho pile inheritance hochi concept of oops mane oops concept eta hochi gote part oops concept re both type of inheritance achi but java re only three type of inheritance use karauchi chuta hochi single inheritance multi level inheritance and hierarchical inheritance देखो नेक्स्ट पॉइंट मु लिखि दीची इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड टू थ्रू द इंटरफेस ओनली इंटरफेस जदि हम कांसेप्ट यूज करिये से थ्रू रे ही हमरो मल्टीपल या तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज करची माने अल्टीमेटली हमें कहि परबा सिंपल वर्ड रे कि जावा मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को फुल्ली सपोर्ट करनी जदि हमें इंटरफेस कांसेप्ट को फॉलो करनु ए मल्टीपल और हाइब्रिड कांसेप्ट को कंबाइन करके हमर कोटे नुवा कांसेप्ट जावा लॉन्च कराय छी जोडा छी इंटरफेस तो एटा रहला लेटर थिंग हमें इनहेरिटेंस कांसेप्ट पर फोकस करबा एथे हमें को इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप सिंगल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो चलो मु इनहेरिटेंस विषय रे बुझे आगरु तमानु क्लासेस रो गोटे इंपोर्टेंट जिंस बुझे दो छी जदि क्लास ए गोटे रहिला तो क्लास ए भीतर तो हम इंट एक्स नो छु हम ए जो इंट एक्स को कोन कहबा डाटा मेंबर एंड वर्ड सो को हम कोन कहथले फंक्शंस कहथले एठी कोन कहछि डाटा फंक्शंस आ इटा रहला कोन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हम यूज करस तमे जानि छौ मैसेज प्रिंट करे अपन यूज कराउ छी एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एजेस को हम यूज करै छी एडा को गला मेन मेथड एडिट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड देन क्लास नेम मेथड तो यूज कोचे एरा कोन ए कांसेप्ट को वाला क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ए सब से ऑलरेडी डिस्कशन कर सछि बट तमानो कंफ्यूजन नो हुए डाटा मेंबर कोन डाटा फंक्शन कोन सेति हम तमान कहली जे तले माने डाटा टाइप डिक्लेअर करू छ गोटे वेरिएबल पई सेटा कोन को कला डाटा मेंबर तो फंक्शन तो तमा कोन को वाला डाटा फंक्शन मेन मेथड को वाला मेन मेथड आ जे ए जो लाइन का लिखा हो छि क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड क्लास नेम जो लिखा हो जी सेटा कोन जी ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे यूज करा हो जी देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिंग ए डिराइव क्लास केमती क्रिएट करा हो जी क्लास डिराइव क्लास नेम एक्सटेंड्स बेस क्लास नेम एटा होस तार सिंटैक्स कोन लिखा है जी पिले फर्स्ट रे रहइबो क्लास मु देखो बोल्ड ते लिखि एटा हला क्लास कीवर्ड देन डिराइव क्लास नेम रे कोन लिखि छी मु बी क्लास हो किछि देन एक्सटेंडेड कीवर्ड यूज करा होची देन बेस क्लास नेम माने कोन क्लास कीवर्ड यूज करिको जो क्लास टा डिराइव होची सपोज मु मोर कॉलेज रा एग्जांपल दोची कॉलेज अंडर रहले कोन साइंस तो फर्स्ट कोन लेबो कॉलेज सॉरी क्लास साइंस एक्सटेंडेड कॉलेज माउथ रिपीट करची क्लास साइंस एक्सटेंड्स कॉलेज माने कॉलेज टा हबो हमर कोन क्लास ए क्लास बी हम कौन आम साइंस माने कॉलेज क्लास रु आम साइंस क्लास डिराइव होती एग्जांपल ले कौन ए क्लास रु आम बी क्लास डिराइव होती माने आम ए हूँ आम पेरेंट क्लास बी हूँ आम चाइल्ड क्लास तो बुझीपार केमती लिखा हो सिंटैक्स तो तार क्लास डिराइव क्लास नेम एक्सटेंड बेस क्लास नेम तो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर डिराइविंग क्लास हमें ऑब्जेक्ट केमती क्रिएट करिबा जेमते हमरा ऑब्जेक्ट केमती क्रिएट कराउ छी जेमते तमन अछि रे कोन क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू देन अगेन क्लास नेम देन फंक्शन सिंबल एमते तम ऑब्जेक्ट क्रिएट करथलो बट डिराइव क्लास में केमती ऑब्जेक्ट क्रिएट करिवो एते जदि हमरो क्लास बी एक्सटेंड्स ए माने ए क्लास रो आदि बी क्लास डिराइव हे छी त हम ए क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करियो ने हमें को क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करियो बी क्लास पे त हमें कोन लिखबा बी
space object equal to new then b function माने कौन है ला b टा है ला हमारा class name obj हो जाए हमारा object name new हो जाए keyword and b हो जाए हमारा class name object कैसे create करा हो जाए तो मानो already बुझे सर सी तो ये टा है ला हमारा creating object for the derived class तो चलो हमारा main topic को जीबा जुड़ा हो जाए single inheritance तो single inheritance कौन if a base class having only one derived class is called single inheritance when a base class having one derived class is called single inheritance माने कौन है जब base class under एक गुट्टे ही derived class रहेला माने base class parent class जो गुट्टे ही child class से derived हुई थी से relationship हमर कौन कहले single inheritance को हाला इधर वाला base class हमर कौन child class derived हुई थी मान जब हम class A नहीं चु class A under एक गुट्टे ही single class रहेला से इधर हाला कौन हमरो single inheritance देखो मेरे देखिए in the above diagram class A is the base class and class B is the derived class of A class रु B class टा derived है जी तो A class class A टा है हमारा base class class B टा है हमारा derived class माने class A हो जाए parent class class B हो जाए हमारा child class चलो single inheritance use करके हमें उधर program कर दो मैं देखो example हम कौन देखिए first class नेम रखली ए तब जहाँ भी नहीं पढ़े हो बट कंफ्यूजन ना हो इस तरह ए बी ही नहीं जी फर्स्ट क्लास क्रिएशन है ला क्लास भी तेरे में कौन कर ली वर्ड डिस्प्ले को एक फंक्शन में ली वर्ड डिस्प्ले फंक्शन अंडर है कौन कर ली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन प्रिंट कर ली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कौन प्रिंट कर ली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देख ली इटा को फंक्शन अंडर है गला अमर वर्ड डिस्प्ले फंक्शन नीचे जुड़ा है क्लास ए रे अच्छी ये जो क्लास ए नहीं जो ये क्लास ए रे मुझे फंक्शन डिक्लेयर कर ली सीधा हो चुका ना वर्ड डिस्प्ले अंडर है मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लिख ली देन मुझे कौन कर ली फंक्शन डॉट क्लोज कर दिली और क्लास को क्लोज कर दिली तो मान पाके ऑलरेडी नोट अच्छी कन्फ्यूजन हो बनी नोट देखो देन कौन आला क्लास B extended A मुझे ये कौन कहले inheritance concept को use कर ली कौन कहले class A रो जेहतु B बाहर ही ची तो मुझे class B extends A ये syntax ने मुझे format टक को लिख दिली class को declare कर दिली then कौन कहले या अंदर ही मुझे आगे function में ली void so मुझे कौन function है ली void so word so function अंदर ही मुझे आगे message print कर ली system dot out dot print ले ने good evening students कौन print कर ली गुड इवनिंग स्टूडेंट्स तो ऊपर ला हमरा पूरा प्रोग्राम में दुईटा फंक्शन यूज करछु गुटे अछि वर्ड डिस्प्ले आउ अछि वर्ड शो वर्ड डिस्प्ले ता हमरा क्लास ए रे अछि आ वर्ड डिस्प्ले शो सॉरी वर्ड डिस्प्ले ता हमरा क्लास ए रे अछि वर्ड शो ता हमरा क्लास बी रे अछि देन मु बी क्लास रे मेन मेथड को डिक्लेअर करछि जरा अछि कोन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखली मेन मेथड डिक्लेअर करली मेन मेथड अंडर रे मु जेम के कहथली ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट करा हो सब बोले डिराइव क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हो कहें कि ना जदी हम ए बी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करछु ऑटोमेटिकली ए अंडर रे बी जाउची माने से बी क्लास रे जदी ऑब्जेक्ट क्रिएट करछु हम ए रो डाटा मेंबर को या तो ए रो डाटा फंक्शन को इजीली कॉल करि परबा जदी तमे इनहेरिटेंस कांसेप्ट यूज करछु तम जे क्लास को डिराइव करछु तम डिराइव क्लास पे जदी फंक्शन माने ऑब्जेक्ट क्रिएट करछु ऑटोमेटिकली तमे बेस क्लास रो फंक्शन को कॉल करि परबो तो हमगो ए क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करिया दरकार ने हमें जदी बी क्लास को कॉल करूछु तो वर्ड शो सहित सॉरी माने वर्ड डिस्प्ले फंक्शन को हमें कॉल करि परबा तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन केम थेला बी बी रोल हमर क्लास नेम देन ओबीजे मुने छ कोन ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे ने छ तमे जहां भी नै पेरो मु ओबीजे ने छ देन न्यू कीवर्ड यूज कर छी देन अगेन क्लास बी को यूज कर छी तो ये हमर हे गेला कोन ऑब्जेक्ट क्रिएशन हे गेला तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हे गेला मु ऑब्जेक्ट क्रिएशन परे obj object help रे मु कॉल डॉट डिस्प्ले को कॉल करली माने obj डॉट डिस्प्ले जति कॉल करछि माने से का पाखो जिबो obj डॉट डिस्प्ले कॉल करले void डिस्प्ले पाखो जिबो जो कि ए क्लास रे अछि तो ए क्लास रो फंक्शन को कॉल करिया पे जदी डिराइव होई छि माने हमें बी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करबा तो void डिस्प्ले कॉल करले void डिस्प्ले अंडर हम कोन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट करिया दिया छि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो ताको से कॉल करबो देन नेक्स्ट हम कोन अछि obj डॉट शो करछि obj डॉट शो डा हमरा का को क्लास में अछि बी क्लास रे अछि तो विदाउट ऑब्जेक्ट पे हमें कॉल कर पर बट मुइटा ऑब्जेक्ट नहीं कि मु ताको शो फंक्शन को कॉल करछि तो आउटपुट हमरा कोन शो करिबा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स
मैंने मैसेज शो कर दिला बट हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट कर लो एक्सटेंडेड क्लास में मैंने डिराइव क्लास में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो ना कि बेस्ट क्लास में तो बुझी पार लो सिंगल इनहेरिटेंस कौन सिंगल इनहेरिटेंस के तले पाजिबो जेतले गुटे पेरेंट क्लास और सिंगल चाइल्ड क्लास रहिला सेटा हबो हमर कौन सिंगल इनहेरिटेंस देन अस अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस माने कौन व्हेन ए क्लास extends a class which extended another class then is called multi-level inheritance mane kono jodi gote class under a gote class achi aa se class under a gote class achi mane class b class a under jodi class b gola class b ru mane kono a gote class jeda pechi class c jodi amar semti rahila se structure ta amo kon koila multi-level माने जदि क्लास ए हमरे देखो डायग्राम में एटे क्लियरली विजिबल होनी तो तुम नोट रे देखि दियो तुम नोट रे म क्लियर दे छी जदि क्लास ए हमरो कोन ला बेस क्लास क्लास बी हमरो कोन ला डिराइव क्लास ऑफ क्लास ए देन क्लास सी इज द डिराइव क्लास ऑफ क्लास बी माने कर ए टा हमर दि पेरेंट क्लास होइला पेरेंट क्लास रो चाइल्ड क्लास हमरो कोन ला क्लास बी तो क्लास बी जदि कोटे क्लास सी पे पेरेंट क्लास हैला तो सेटा हैला हमरो कोन मल्टी लेवल देखो क्लास सी रो पेरेंट क्लास कोन हबो क्लास बी रो पेरेंट क्लास कोन हबो क्लास ए माने कोटे अंडर रे कोटे आ गुडे अंडर रे आउ जने से सेमति रहिला हमरो हैला सेटा मल्टी लेवल जदि हम कॉलेज रे एग्जांपल लबा कॉलेज कॉलेज अंडर हमर साइंस साइंस अंडर रहले कोन फर्स्ट ईयर साइंस तो जदि एमति गोटे लाइन रे रहिला कि माने हमर प्लस 2 फर्स्ट ईयर साइंस डिराइव फ्रॉम साइंस एंड साइंस डिराइव फ्रॉम कॉलेज जदि एमति रिलेशन क्रिएट होउछ तो सेठे हम कोन करबे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कांसेप्ट को फॉलो करबे बुझि पालो देखो इन द अबव डायग्राम क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम क्लास बी व्हेन वी कैन से दैट Class B is the best class of class C and class B is the derived class of class A. तो तुम जेमती कांसेप्ट बुझेली तो जदी गुटे क्लास अंडर आउट क्लास अंडर जदी आउट क्लास होले से डायलम नाम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चलो प्रोग्राम को मूव करिया तो प्रोग्राम कोन अछि मु गुटे क्लास जनरेट करली गुटे क्लास अंडर गुटे क्लास आउट क्लास रखिबा तो सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस को हम डबल टाइम यूज करबा तो हबो बट हम क्लास नेम क्लियरली रहया पड़ो क्लास एरम को ले सेम वर्ड डिस्प्ले यूज करली वर्ड डिस्प्ले रे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लिखली देन वर्ड डिस्प्ले फंक्शन डॉट क्लोज करची देन क्लास ए को क्लोज करची देन को छि इनहेरिटेंस कांसेप्ट यूज करची क्लास बी एक्सटेंडेड ए माने कोन क्लास ए बि अंडर रे हम क्लास बी जाउची हम यदि क्लास बी को कॉल करिया ऑटोमेटिकली क्लास ए को कॉल करबा देखो स्ट्रक्चर वाइज हमर कोन रहउची हम जे देखो क्लास ए अंडर क्लास बी जाउची जो कहुचो बट हमें तो कॉल करूचो क्लास बी को यदि हमें कॉल करबे क्लास ए को हमर कॉल हबो देखो मन रख भले से क्लियरली कथा सुनो जेतले तुम प्रोग्राम करचो कॉलेज पे तो प्रोग्राम करबो सबोले मन रखबो फर्स्ट रे तुम्हारा फर्स्ट ईयर क्लास में को प्रोग्राम करबो तापे सेकंड ईयर क्लास में प्रोग्राम करया तो फर्स्ट ईयर खाली हम जदी कॉलेज अंडर रे साइंस साइंस अंडर साइंस फर्स्ट ईयर क्लास खेर छि तो फर्स्ट टाइम बोले फर्स्ट ईयर क्लास में गुडी क्लास क्रिएट करिवा तापे लिखिया कोन फर्स्ट ईयर क्लासेस एक्सटेंडेड साइंस साइंस में हम तापे क्लास करिवा देन हम कोन करबा कॉलेज में क्लास क्रिएट करिवा बुझी पार्छ तो अपोजिट डायरेक्शन रे हमें क्लास जनरेट करी करी जीवा सेथरे जे जानि पारि पछि हमर डाटा रे केमते होउची जेनि स्ट्रक्चर रे हम जेनि देखुची क्लास बी क्लास ए क्लास बी क्लास सी जो रहउची सेका किन हमर माइंड रे रखिबो कॉलेज फर्स्ट ईयर क्लास पर साइंस क्लास पर कॉलेज क्लास होबो सब जिन सब उल्टा स्ट्रक्चर टा तमे उल्टे दबो ताकु धरि तम प्रोग्राम करबो तो इनहेरिटेंस कांसेप्ट को तमे बुझी पारिबो बुझी पारलम देन कौन है ला क्लास बी एक्सटेंडेड क्लास ए माने कौन से जब बी क्लास को कॉल करे बी क्लास अंडर है हमारे ए क्लास बी कॉल है जब तो बी क्लास अंडर हम कौन ले वर्ड सो देन सिस्टम टू आउट और प्रिंट हम कॉल ले गुड इवनिंग स्टूडेंट्स मैसेज प्रिंट कर ली देन फंक्शन डा क्लोज कर दिली देन क्लास को भी क्लोज कर दिली तो हमारे ए क्लास है गला ए क्लास टा पर बी क्लास भी हमें क्लोज कर दिली जोड़ा कि ए क्लास को एक्सटेंडेड करी छी देन हम कोन करिया मल्टी लेवल जेहेतु छी हमें क्लास सी को कॉल करिवा क्लास सी एक्सटेंडेड बी माने कोन क्लास बी को जदि हम कॉल करिया ऑटोमेटिकली क्लास ए भी आसीबो बिकॉज़ क्लास बी एक्सटेंडेड ए काहेना
class B class A रो data को hold करची जब हम B class को खोल गए automatically class A और class B दुई टाइप का data आसीबो तो एटा हम खोल ले एटा हमर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्रिएट हे गला class A extended class B class C अंदर हम खोल ले कि void C गोटे फंक्शन नेली से कोन डिस्प्ले करली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ने गुड नाइट स्टूडेंट प्रिंट करली तो एठे हे गला हमर class C रे हम फंक्शन ने हम क्लोज कर दिले देन मु class C रे मेन मेथड करछि मेन मेथड पर हम से भीतर ता अंडर कोन लिखछि ऑब्जेक्ट का पेन क्रिएट करली हम सब बोले कहि लास्ट डिराइव क्लास पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करबो तो एठे हे गला C स्पेस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू देन C मु C क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करछि काहेकि जे C क्लास अंडर रे B क्लास चलछि B क्लास अंडर रे A क्लास चलछि जति मु C क्लास कॉल करी ऑटोमेटिकली से B को कॉल करबो आ A को भी कॉल कर परबो तो मु एते C क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देली देन OBJ जदि हमर ऑब्जेक्ट नेम रहला OBJ हेल्प रे मु डिस्प्ले फंक्शन को सो फंक्शन को आ सी फंक्शन को कॉल कर ली एटा कोन जे डिस्प्ले फंक्शन अछि डिस्प्ले फंक्शन देन सो फंक्शन देन हमरो सी फंक्शन द को कॉल कर ली कॉल करले ऑटोमेटिकली कोन देखियो फर्स्ट रे हम देखियो डिस्प्ले फंक्शन रे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देन आसीबो सो फंक्शन रे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड सी फंक्शन रे गुड नाइट स्टूडेंट्स एति ही आउटपुट तुमको शो करे तो एटा रहला मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो एबे मूव करबा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस माने कोन पुछो when a class has more than one child class which is derived from same parent class is called hierarchical inheritance mane kono jodi tamaro more than one child class rochi gote parent class ro sida ko multi level inheritance previous tare kon hotle multi level single inheritance continuously repeatedly use hotle माने गोटे पेरेंट क्लास अंदर गोटे चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास अंदर आ गोटे चाइल्ड क्लास एम्प्टी रहतला बट एते मोर देन वन चाइल्ड क्लास जते गोटे पेरेंट क्लास अंदर रहले सेटा रहला कोन हायरार्किकल इनहेरिटेंस हायरार्किकल कांसेप्ट में कोन कहि ट्री स्ट्रक्चर कांसेप्ट में जेंति पूरा कॉलेज रे एग्जांपल बुझैतली जदि हमर कॉलेज गोटे रहला पेरेंट क्लास मोर देन वन चाइल्ड क्लास कोडा रहला त हमर साइंस आ कॉमर्स जदि से कांसेप्ट हम फॉलो करछो सेटा हला कोन हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो कौन लिखा है जी व्हेन मोर देन वन सब क्लास हैविंग वन सुपर क्लास इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस सब क्लास कोटा बेस क्लास को कहला सब क्लास एंड चाइल्ड क्लास को कौन कहला सॉरी बेस क्लास को कहला सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास को कहला सब क्लास तो तुमने ऑलरेडी कांसेप्ट बुझि पाथिबो यदि हमर क्लास ए हैला सब सुपर क्लास तो क्लास बी और क्लास सी आर द सब क्लास तो हम क्लास ए यदि हम सुपर क्लास नंबर तो क्लास बी और क्लास सी हमर सब क्लास हो माने कहि परबा क्लास ए हो जमे पेरेंट क्लास और क्लास बी और क्लास सी हो जमे चाइल्ड क्लास तो चलो एग्जांपल को जीवा एक एग्जांपल ले कोन लिखाई छी क्लास ए भीतर मु सेमती सेम नै छी वर्ड डिस्प्ले नै छी से भीतर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लिख छी देन क्लास ए को क्लोज कर छी देन कोन कहि छी क्लास बी एक्सटेंडेड ए जोटि की वर्ड सो नै छी देन सेटे गुड इवनिंग स्टूडेंट प्रिंट कर छी एति पजन सेम रहला बट एठे देखु पले कोन लिखाई छी क्लास सी एक्सटेंडेड ए कोन पई मु जेमति कहली तमको क्लास ए अंडर रे क्लास सी जीवो या तो क्लास सी को हम कॉल करिया पे सॉरी क्लास ए को कॉल करिया पे कोन हम अगेन क्लास सी एक्सटेंडेड ए लिखिलु त माने कोन होला ए क्लास अंडर रे हम एक्सटेंडेड क्लास हला हमर क्लास बी सॉरी डिराइव क्लास हला हमर क्लास बी आ डिराइव क्लास हला क्लास सी जदि हम क्लास बी को कॉल करबा ए को आनि पाइबा या क्लास सी को कॉल करले मथे ए को आनि पाइबा तो इमिति ही हमरो कोन लिखो छि हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे लिखा हो छि एथे हम यदि क्लास सी एक्सटेंडेड बी कर देबा से जो कोन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बट कि हम क्लास सी एक्सटेंडेड ए लिखु छु माने ए वाला हायरार्किकल इनहेरिटेंस देन मु एथरे वर्ड सी फंक्शन लिख छि देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ने गुड नाइट प्रिंट कर छि तापर कोन कर छि मु लास्ट रे गोटे क्लास क्रिएट कर छि क्लास एग्जांपल तो एटा कोन होला क्लास ए टा एक्सटेंडेड हैला बी देन क्लास सी एक्सटेंडेड ए तो तीन टा क्लास मु नै गेलै एबे मु चार नंबर क्लास ए कोन कर छि मु सब जगह कॉल कर छि
केमती कल कर देख क्लास गोटे एक्जामपल नी जी मेन मेथड लिखिली मेन मेथड मोर देन व्लास लिखा तो क्लास ए क्लास बी और क्लास सी तीन टा क्लास है आउ गोटे क्लास नहीं कि सब जगह क्लास को ये कल करमती कल कर क्लास बी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर क्लास सी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर कहीं सब डिराइव क्लास रू आम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पार तो आम डिराइव क्लास के दुईटा रहा क्लास ए आम बेस क्लास डिराइव क्लास कौन रहा क्लास बी और क्लास सी तो मुझे कौन कर क्लास बी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर क्लास सी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ओबीसी 1 हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ बी एंड ओबीसी 2 हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ सी तो ओबीसी 1 डॉट डिस्प्ले जदि कॉल करूछि से कोन करबो कहीं ओबीसी 1 टा हमरो कोन क्लास बी पे जनरेट करै छी ओबीसी 1 अंडर हमर कोन होछि ए जाउछि ए को हम कॉल करै छी बी थ्रू हम कॉल कर पड़े और सी थ्रू कॉल कर पड़े कहीं बी क्लास बी और ए क्लास ए को होल्ड कर छी और सी क्लास बी क्लास ए को होल्ड कर छी तो हमें डबल टाइम लिखिया किछि दरकार नै मु ओबीसी 1 डॉट डिस्प्ले करली तो क्लास ए रो फंक्शन को कॉल हे गला ओबीसी 1 डॉट शो करली तो क्लास बी रो फंक्शन को कॉल हे गला देन क्लास सी रो फंक्शन पे मु जस्ट ओबीसी डॉट ओबीसी 2 सी को कॉल करली मैं ओबीसी 2 डॉट डिस्प्ले को जदि कॉल करबे अगेन से कोन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड गुड नाइट स्टूडेंट देखेबो तो हम रिपीटेडली किस दरकार हम ए तीनटा मेसेज ही देखेला तो हम कोन करली डिस्प्ले फंक्शन शो फंक्शन और सी फंक्शन को कॉल करली आ बी फंक्शन हेल्प बी क्लास हेल्प रे मु डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करची आउ सी क्लास हेल्प रे मु खाली सी फंक्शन को कॉल करची मु एटा चाहेले मध्ये ओबीसी 2 हेल्प रे बीएन डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल कर परी बट मते रिपीटेडली मेसेज दरकार ने सेते मते को कॉल करनी तो एठा हमर कोन लेखला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गुड नाइट स्टूडेंट गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड गुड नाइट स्टूडेंट तो तमे एथरु जानि पारलो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कोन हायरार्किकल इनहेरिटेंस कोन एंड सिंगल इनहेरिटेंस कोन तो ए तीनटा कन्सेप्ट को नेके जावा रे इनहेरिटेंस कन्सेप्ट को फॉलो करा होची तमे जोथरे कि मोर देन 1 क्लासेस को नेके नीड क्लासिफाई करी केमटे तम प्रोग्राम करी परिवो आ को क्लास अंडर रे कोन रखले तम प्रोग्राम रे इजीली हे परिवो लेंदी होपनी सेते हम इनहेरिटेंस कन्सेप्ट को फॉलो करिवा आई होप तमे ने बुझी थिबो तमे जदि किछ भी डाउट अछि तमे ने मते कांटेक्ट करो डाउट पर डाउट क्लियर करिवा जदि किछ प्रॉब्लम होची हम अगेन इनहेरिटेंस पर आउ दो तीनटा प्रोग्राम करिया जोटा कि तमे इजीली पुछि परिवो So this is for today and thank you.